मस्त हुआ है गाड़ी, नहीं लग रहा है कि मेरी गाड़ी है, पुरानी वाली दुल्हन लग रही है पुरानी। नहीं, मुझे नया गाड़ी लेनी ही नहीं है अभी। और तो हमने आज तक बहुत सी गाड़ियां बनाई है, बहुत सारे कस्टमर्स को गाइड किया है, पर पर्टिकुलरली आज जो गाड़ी हम आपको दिखा रहे हैं, इनके जो कस्टमर है वो बहुत ही जॉली किस्म के हैं और बहुत हैप्पी को लकी है। वो आए भी थे तो उन्होंने एकदम मस्त खुश रहते हैं ना, एकदम हंसते रहते हैं, हंसमुख सा एनवायरनमेंट बना दिया था। और सबसे खास बात है, उन्होंने 7 घंटे का रास्ता, यानी बेलगांव से पुणे तक का रास्ता बिना सोचे समझे उन्होंने तय कर लिया, अनप्लान्ड पूरा, ये सोचते हुए कि उन्होंने गाड़ी रिस्टोर करनी है, और वो गाड़ी लेकर यहाँ पे आ गए। और आज जो हम गाड़ी डिस्कस कर रहे हैं ये है 11 साल पुरानी मैरून कलर की 2010 वैगन आर मॉडल। अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं और अगर आप मीडिया बैकग्राउंड से हैं, यानी आप फोटोग्राफी, वीडियोग्राफी, एडिटिंग या ग्राफिक डिजाइनिंग करते हैं, तो हम ऐसे यंग एंथुजियास्ट को ढूंढ रहे हैं जो हमारी टीम में जुड़ सके। वी आर लुकिंग टू एक्सपैंड आवर टीम, राइट। तो अगर आप इस फील्ड से हैं तो आप हमें इंस्टाग्राम पे जाके brotomotiv.in पे DM कर सकते हैं, या फिर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए तरीके से हमें रीच कर सकते हैं। यप, तो इस वीडियो को शुरू करते हैं, पर उससे पहले बात कर लेते हैं इस वीडियो के स्पॉन्सर की। This video is sponsored by Budmo. Budmo are the online experts when it comes to spare parts. आप Budmo.com पर जाकर अपनी गाड़ी के genuine spare parts घर बैठे खरीद सकते हैं। Budmo has one of the largest catalogs for spare parts, चाहे आपके पास एक छोटी गाड़ी हो या फिर एक लग्जरी गाड़ी हो। Budmo अपने सप्लाई किए हुए spare parts पर 10 डे की assured return policy भी ऑफर करता है। You can check out their website and also download their app. It's available on Android and iOS both. गाड़ी का जो ऑलरेडी मैरून कलर था ना, वो वैगन आर का बहुत बिकता है, वन ऑफ द मोस्ट सेलिंग कार्स है, और कलर भी मतलब बहुत कॉमन, बहुत कॉमन कलर है। तो हम लोगों ने सोचा कि इसको थोड़ा सा कुछ अलग करते हैं, तो हमने सीधा मारुति से उठा के बना दिया उसको मैक्लेरेन वॉल्केनो रेड। हमने कस्टमर को बोला कलर विजुअली उतना डिफरेंट नहीं है, बट जब रोड पे निकलेगी गाड़ी, एक तो ऑफकोर्स क्योंकि हम उस पर बेस्ट क्वालिटी पेंट यूज कर रहे हैं तो बहुत अलग दिखेगी, बट साथ ही साथ कलर में जो मेटालिक इफेक्ट बहुत अच्छा है, बहुत सुपर्ब है। और हमने कस्टमर को जब कलर दिखाया फोटोज और वीडियोस में, तो कस्टमर ने साथ ही साथ अप्रूवल कर दिया कि आई एम हैप्पी, गो फॉर इट। साथ ही साथ उनकी एक रिक्वायरमेंट थी कि उनको गाड़ी जो थी वो थोड़ी यूनिक करनी थी, अलग करनी थी। अब ठीक है, बाहर से आपने उसको पेंट किया, थोड़ा डिफरेंट किया, अलग है, बट अंदर से भी उनको गाड़ी की पूरी फील चेंज करनी थी, क्योंकि 10-11 साल गाड़ी चला के मतलब एक आदमी बोर हो ही जाता है। उसका इंटीरियर बहुत बेसिक है, वो ग्रे कलर का इंटीरियर जो ऑलमोस्ट हर मारुति की गाड़ी में आता है, उस टाइम में सभी गाड़ियों में वही कलर। देयर इज नो प्रीमियमनेस इन दैट इंटीरियर। तो हम लोगों ने सोचा चलो इसको थोड़ा सा रूमी करते हैं, एंड बहुत अलग अलग कलर्स सोचने के बाद, बहुत कॉम्बिनेशंस देखने के बाद, वी थॉट लेट्स गो विद अ शेड ऑफ लाइट एंड कंबाइंड विद अ शेड ऑफ लिटिल डार्क। सो वी वेंट विद अ बेज एंड वी वेंट विद अ ब्राउन। गाड़ी के छत का जब हम डेंट बना रहे थे तो हम लोगों ने रियलाइज़ किया कि छत जो है वो बहुत ज़्यादा फ्लेक्स कर रही है। ये आप देख रहे हो प्ले इतना ज़्यादा है, तो हम लोगों ने इसका एक सोल्यूशन निकाला है। ये पट्टी जो है छत के लिए सपोर्ट पट्टी रहती है अंदर की तरफ से, ये हमारे पास एक एक्स्ट्रा दूसरी स्क्रैप गाड़ी की पड़ी थी, तो हम लोग वो निकाल के अभी यहाँ पर अंदर की साइड में फिट करने वाले हैं कुछ इस तरीके से। तो उससे क्या होगा, ये जब दोनों तरफ से वेल्ड हो जाएगी तो ये जो फ्लेक्स है, ये जो छत दब रही है अंदर, वो प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, इंटीरियर खत्म होगा उस दिन से एक दिन पहले गाड़ी लेंगे, पेंटिंग में अंदर का सेक्शन पेंट कर देंगे और फिर फिटिंग चालू। ओके, सॉर्टेड। ठीक है, सिर्फ यहाँ पे चेरी आ जाएगा अगर ये ब्राउन वाला। और एक मुझे ये डिसेंट लग रहा है, ऐसा कुछ सोच। अगर ये इन्वर्ट करते हैं तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट बहुत ज़्यादा लाइट हो रहा है। तो इस केस में रूफ वगैरह पूरा ब्लैक आएगा, डार्क आएगा। और ये भी पूरा एवरी में ले सकते हैं। ये ब्राउन ब्राउन और इसको करेंगे ब्राउन, ये ब्राउन है और ये भी ब्राउन मिलेगा। हाँ, ब्राउन ब्राउन ये बोलो ना, दो दो उसको हाईलाइट नहीं करना, उसको हाईलाइट करना या फिर उधर दे दो। और ये पीतल, ब्राउन पीतल। और ये सीट के कवर, नीचे के साइड के पैनल, वो सारा बेज ले, सारे बेज, डोर के हैंडल्स बेज, क्योंकि डोर वगैरह देखो मैक्सिमम हम बेज दे रहे हैं। तो अभी हमारा बाइफर्केशन हो गया सभी पैनल्स का, जिस हिसाब से जिस कलर स्कीम में हमने उन्हें मारना है। हम 3 कलर स्कीम यूज़ कर रहे हैं, बेज, ब्राउन और थोड़ा सा हाईलाइट करने के लिए एक ब्रॉन्ज फिनिश यूज़ कर रहे हैं साटिन फिनिश में। बहुत अमेजिंग आने वाला है। कस्टमर ने एक्चुअली बोला कि उनको रॉयल किस्म की लुक चाहिए, तो हमने सोचा कि इसको बेज थीम में करते हैं और मेजॉरिटी इसी लाइट कलर स्कीम में करेंगे, तो उस चीज़ को बहुत एनहांस करेगा। और साथ में हाईलाइट्स जो होंगे वो डार्क कलर में, ब्राउन कलर में, और कुछ एक छोटा सा एसेंस जो उसमें ब्रॉन्ज कलर का डालना चाहिए। मैंने एक्चुअली कस्टमर को गाड़ी के डिलीवरी के वक्त भी ये बोला था कि सर, हमारी टीम में से जिसने भी इस गाड़ी पे काम किया उसने सोचा भी नहीं था कि गाड़ी इतनी अच्छी निकल के आएगी। अच्छा, बाय द वे मैं आपको एक चीज़ और बताना चाहता हूँ, हम लोग के पास इंश्योरेंस क्लेम्स भी होते हैं। अच्छा, इस तरीके की जॉब इंश्योरेंस क्लेम्स में नहीं होती है ऑब्वियसली, बिकॉज यहाँ पर क्लाइंट कस्टम काम करा रहा है, बट अगर आपकी गाड़ी का एक पैनल या दो पैनल घस गए हैं या थोड़ा बहुत ठुक गया है तो आप हमारे पास आके इंश्योरेंस क्लेम्स कर सकते हैं। हमारे पास आज के डेट में काफ़ी सारी कंपनीज़ का कैशलेस है, और जिन कंपनीज़ का कैशलेस नहीं है उस केस में आपको रीइंबर्समेंट मिलता है और आप हमें पे कर सकते हैं। तो अगर आप अपनी गाड़ी पर इंश्योरेंस क्लेम भी कराना चाहते हैं, हम सिर्फ पूरी गाड़ियाँ पेंट नहीं करते हैं, हम लोग आपको दिखाते हैं फुल प्रोजेक्ट्स, पर हमारे पास बहुत सारे ऐसे प्रोजेक्ट्स भी आते हैं जहाँ पर कहीं हमें स्पॉट रिपेयर्स करने होते हैं, कहीं पर हमें 2 पैनल पेंट करने होते हैं, कहीं पर हमें 4 पैनल पेंट करने होते हैं। सो इफ दैट इज समथिंग दैट यू वांट टू गेट ऑन योर कार, देन यू कैन डेफिनेटली विजिट अस। कलर अच्छा लग रहा है, फिटिंग हो जाएगा ना पूरा तो बहुत बढ़िया लगेगा, है ना, बेज एंड ब्राउन। पर ये एक इसको ब्राउन करना पड़ेगा, ये नहीं, पर आप लगाने के बाद अच्छा नहीं लग रहा वो, तो इसको निकाल देंगे वापस और ब्राउन मार देंगे। बाकी ये ब्राउन, ये ब्राउन, ये ब्राउन अच्छा लग रहा है, वो खाली वो बेज थोड़ा सा और लग रहा है, वो उसको ब्राउन ले लेंगे। वैगन आर के व्हील पेंट हो चुके हैं, अभी हम लोगों ने हीटिंग देके इसे ट्राई भी कर लिया है। अब या तो आज शाम को या कल सुबह गाड़ी पर लगाएंगे। एक्चुअली जो कलर है, जो मैकलारन का जो वोल्केनो रेड है, ऑफ कोर्स थोड़ा स्पोर्टी कलर है, तो वैसे किस्म के डिजाइन्स पे ज्यादा सूट करता है। मैकलारन पे तो कुछ भी अच्छा लगता है। हाँ, बट इस गाड़ी में भी उसकी वो लुक एक्सटेंचुएट हो रही थी। मैं इमेजिन नहीं किया था कि इतना अच्छा निकल के आएगा, जबकि इतना मेजर डिफरेंस था नहीं। हाँ, क्योंकि आप विजुअली दोनों कलर्स को साथ साथ खड़े करके देखोगे ना, तो लेमैन वुड नॉट बी एबल टू टेल द डिफरेंस। बट जब वो गाड़ी फ्रेश पेंट होके आई तो एकदम आई कैचिंग लुक पूरा, स्पेशली जब वो धूप में निकलती है। मतलब उसके जेरेलिक्स, मेटालिक फ्लिक्स इतने अमेजिंग है कि देख के दिल खुश हो। और इंटीरियर जो हमने बेज कलर में किया ना, सो एक्चुअली देयर इज नो गिवन शेड फॉर इट, या तो हम लोग को वहाँ पर कलर बनाना पड़ता है। कभी हम थोड़ा लाइट जाते हैं, कभी हम थोड़ा डार्क जाते हैं। एंड बहुत अच्छी किस्मत से हमने जो मिक्सिंग इस बार की, तो इट केम आउट रियली वेल। आई मीन That beige was pretty much the best beige that we have done in the interior. Right, and actually हम क्या करते हैं कि लेदर भी हम, क्योंकि गाड़ी पे करने वाले हैं, तो हम usually what we do is कि लेदर के कलर से अपने प्लास्टिक पैनल्स का कलर जो है मैच करके बनाते हैं, तो मैच भी बहुत ब्यूटीफुल हुआ था, बहुत अच्छा। और लेदर और पेंट हो जाने के बाद मतलब बिल्कुल भी डिफरेंस दोनों चीजों में नहीं दिख रहा था। अच्छा, एक बात आपको पता है, जब हम गाड़ी पूरी तैयार कर रहे थे ना, तो कस्टमर ने पहले से डिसाइड किया था कि गाड़ी में प्रोजेक्टर लाइट्स बिठाने हैं, क्योंकि वो नाइट ड्राइविंग भी बहुत करते हैं। तो हमने उनको सजेस्ट किया कि आप प्रोजेक्टर्स लगाओगे तो आपके लिए बेस्ट है। वैगन आर में तो प्रोजेक्टर्स आते नहीं है, ना DRL आते हैं। तो जब हम प्रोजेक्टर्स प्रोक्योर कर रहे थे तो उस टाइम में जो ट्यूब वाला DRL होता है वो स्टॉक में नहीं था। हम लोग ने बहुत कोशिश की कि गाड़ी जब तक रेडी हो जाए तब तक वो इन स्टॉक आके हमारे पास आ जाए, पर वैसा हुआ नहीं। और क्योंकि गाड़ी के हेडलाइट्स थोड़े खराब थे, कस्टमर ने खुद ही बोला कि आप उनको चेंज करके ब्रांड न्यू डालो। तो जब कस्टमर ने गाड़ी डिलीवरी ली तो हमने वो पुरानी हेडलाइट्स ही उनको लगा के दी, और नई हेडलाइट्स जब हमारे पास आ गई और प्रोजेक्टर और DRL का स्टॉक भी आ गया, हमने वो नई हेडलाइट्स में प्रोजेक्टर और DRL फिट किया और फिर सर को पार्सल किया। वीडियो के एंड में हम आपको ये भी दिखाने वाले हैं कि प्रोजेक्टर्स और DRL लगने के बाद वो हेडलाइट्स कितनी सुंदर लग रही थी। गाड़ी के कैलिपर्स पेंट करने के लिए ना हम लोग जो रेगुलर गोल्ड कलर यूज़ करते हैं ना, हमने वो नहीं किया। उस टाइम नासिर भाई से मेरी स्पेसिफिकली बात हो रही थी, तो मैंने उनको एक ही चीज़ बोली, नासिर भाई और गोल्ड चाहिए। तो उन्होंने उसमें जो है उसको टिंट को थोड़ा डार्क किया, एक रेड टोन उसमें डाला। और एक्चुअली तुझे क्या लगता है जो कलर हमने उसके कैलिपर पे मारा वो कैसा आया? मेरे को पर्सनली बहुत अच्छा लगा। और हमने पहले भी काफी कार्स में कैलिपर्स गोल्ड कलर के मारे हैं या ब्रॉन्ज कलर के भी मारे हैं, पर वो लाइट रहे हैं हमेशा। हाँ, हमेशा बहुत लाइट किस्म के रहे हैं और वो एसेंस नहीं आई उसमें कि गोल्ड है। हाँ, गोल्ड। ये गाड़ी के कैलिपर्स एक्चुअली ऐसे लग रहे हैं जैसे गोल्ड के कैलिपर्स लगाए उसके अंदर। सो वो बहुत सुंदर हुआ। और अलॉय व्हील्स में जो हमने ब्लैक किया वो हमने इसलिए किया कि देखो रेड कलर हम कर रहे हैं और प्रिटी मच गाड़ी पर कहीं भी कोई लाइट कलर एज सच नहीं है, एंड ब्लैक एंड रेड इज ऑलवेज अ गुड कॉम्बिनेशन। ब्लैक बहुत न्यूट्रल कलर है एक्चुअली, वो सबके साथ में ढह जाता है, मतलब पता भी नहीं चलता डिफरेंस। यहीं पे अगर हमने सिल्वर किया होता तो गाड़ी बहुत स्टैंड आउट करती, व्हील्स उतने अच्छे नहीं लगते और गोल्ड भी सिल्वर के साथ उतना सुंदर नहीं जाता जितना वो ब्लैक के साथ। बट इट्स अ पर्सनल ओपिनियन, यू नो। लोग अगर देखेंगे ये तो हर किसी का कोई बोलेगा कि सिल्वर होने चाहिए थे, कोई बोलेगा कि गन मेटल होने चाहिए थे। दैट्स सब्जेक्टिव, वो आपके ऊपर है। बट हमने ये सजेशन दिया, कस्टमर ने अप्रूवल दिया और हमारे हिसाब से तो गाड़ी बहुत ही सुंदर। कमेंट सेक्शन में हमें जरूर बताना कि आपको इस गाड़ी का टोटल कलर कॉम्बिनेशन कैसा लगा। राइट, एक्सटीरियर भी इंटीरियर भी साथ में चीजें कैसी लग रही हैं। पूरा माउंट आबू तक जाके लेके आया हूँ, पूरा गुजरात घुमाया गाड़ी और अभी महाराष्ट्र घुमाया। अभी इसको देख के क्या लग रहा है इसको और कितना? इट्स वंडरफुल, नहीं लगता है कि ये मेरा ही गाड़ी है। पूरा अंदर का चेंज हुआ है भाई। सिर्फ मैं कलर कॉम्बिनेशन देख रहा था, बिगी एंड ब्लैक और बिगी और ब्राउन, मैंने ब्राउन बोल दिया, भाई ने पूरा इंटीरियर ऑडी कर दिया। मस्त हुआ है गाड़ी, नहीं लग रहा है कि ये मेरी गाड़ी है, पुरानी वाली दुल्हन लग रही है पुरानी। नहीं, मुझे नया गाड़ी लेनी ही नहीं है अभी। तो जैसे कि हमने आपको बताया, आज का जो टॉपिक था, आज वीडियो जो जिसके ऊपर हमने बनाया है वो है ये वैगन आर। और वैगन आर इंडिया की वन ऑफ द मोस्ट आइकॉनिक फैमिली कार्स है। एक्चुअली मैं गाड़ी बाहर सब घूम रहा था, सब देख रहा था, रिस्टोर करना है, आप पेंट करना है, थोड़ा रस्टिंग का काम था। तो जैसे ही मैंने आपका रिव्यू देखा और वीडियोस देखे फेसबुक, इंस्टा, यूट्यूब पे, तो उसके हिसाब से मैंने बहुत सारे परीक्षित भाई और आपका जो वीडियोस देखे उसके हिसाब से मैंने प्लान कर रहा था जून से। तो ऑलमोस्ट आके वो टाइम मिल गया जुलाई में। तो क्योंकि मुझे याद है जब आप आए थे आप पूरे मोटिव से आए थे कि मैं तो गाड़ी छोड़ के जा रहा हूं, जाने वाला। हम लोग एक्चुअली बुकिंग्स पे काम करते हैं, बट सर हमारे पास बड़ी उम्मीद से आए थे, बोले कि मेरे को आज गाड़ी छोड़ने के प्लान से आया हूँ, बहुत दूर से आया हूँ। और सर ने उस वक्त एक्चुअली डिसाइड भी नहीं किया था कि गाड़ी पे क्या क्या काम कराना है। एक्चुअली इंटीरियर का भी आई थिंक हम उस वक्त कंफ्यूज थे कि एग्जैक्टली करना है कि नहीं। सर वाज आस्किंग मोर ऑफ सजेशंस फ्रॉम अस। तो हमने सर को यही समझाया कि एक्सटीरियर हम जरूर कर सकते हैं, थोड़ा डिफरेंट कर सकते हैं, और इंटीरियर टोटली उनके ऊपर है। और उन्होंने डिसीजन लिया एक्चुअली इंटीरियर बदलने का, और इंटीरियर बहुत फैबुलस निकल के आए। तो आपको जो यहाँ पे एक्सपीरियंस मिला, जो हमारे साथ पूरा ये एक्सपीरियंस था, चाहे वो डिज़ाइन का हो, चाहे वो डिस्कशन का हो, से लेके आज डिलीवरी तक, आपका एक्सपीरियंस हमारे साथ कैसा रहा? आपको तो मैंने बहुत सताया मैसेज के ऊपर, कॉल के ऊपर, गणेश को भी सताया, लेकिन सोचा नहीं था कि इंटीरियर इतना चेंज हो जाएगा कि ये रॉयल लुक देगा अंदर से, और बाहर का भी कलर ऐसा, मतलब सोचा भी नहीं था मैंने। एक्चुअली सर पता क्या होता है, ऐसा हो सकता है, अच्छी बात होती है डिस्कशन करना, क्योंकि हम में से किसी को क्लैरिटी नहीं थी कि गाड़ी पे एग्जैक्टली क्या लुक चाहिए। और सर ने बस इतना बोला था कि मुझे थोड़ा रॉयल लुकिंग चाहिए, थोड़ा डिफरेंट चाहिए। एंड क्योंकि इस टाइम पे वैगन आर और लगभग सभी मारुति की गाड़ियों में ग्रे इंटीरियर आते थे, सीट कवर से लेके छत, प्लास्टिक, एवरीथिंग वाज ग्रे। तो हमने सोचा कि ड्रास्टिकली कुछ डिफरेंट करते हैं, एंड बेज केम आउट वेरी वेल। बेज का जो डिसीजन था तो बहुत अच्छा निकला। जब मैं आया तो थोड़ा मतलब रूफ का थोड़ा रस्टिंग प्रॉब्लम था, तो थोड़ा नीचे ग्राउंड का था, तो वो सब उतना ही करवाने वाला था। लेकिन जब से आपका सब वीडियोस देखा तो माइंडसेट चेंज होते गया, और पूरा मैंने चेंज करके, नहीं ऑफ कोर्स सर, और गाड़ी बहुत अच्छी निकल के आई है। मतलब आज अगर आप इसे शोरूम में जाके खड़ा करेंगे तो आई डोंट थिंक कोई बता पाएगा कि 11 साल की गाड़ी। राइट राइट, इट्स अ 2010 मॉडल, राइट 10 मॉडल। तो गाड़ी बहुत सुंदर आई। तो आपको कैसी लग रही है अभी गाड़ी? मतलब जस्ट जैसे आपने सरप्राइज दिया, इट्स लाइक अ शॉकिंग एंड वाव थिंग। तो एक्चुअली हमने सोचा गया था कि हम सर को गाड़ी नहीं दिखाएंगे। सर कल आए थे, आज उनकी डिलीवरी थी, बट वो कल आए थे और हमने गाड़ी छुपा के रखी थी। मतलब सर आपको कल से पहले गाड़ी नहीं दिखाएंगे, बट आज सर एक डेढ़ घंटा पहले आ गए और उन्होंने गाड़ी देख ली, वरना हमारा पूरा प्लान था कि हम वो सिर्फ कपड़ा डाल के ऐसे हटाएंगे आपके सामने और पूरा दिखाएंगे। तो आपको अच्छा लगा काम? एक नंबर, एज पर योर रिक्वायरमेंट, जैसा आपको चाहिए था, उससे भी ऊपर गया। मैं जो एक्सपेक्टेशन रखा था उसके भी ऊपर गया अभी। थैंक यू सो मच सर। इसमें हम अकेले नहीं हैं, इसमें हमारी पूरी टीम का हाथ है, चाहे वो डेंटर्स हों, चाहे वो पेंटर्स हों, चाहे वो फिटर्स हों, चाहे मैकेनिक्स हों, ए टू जेड हमारे, और हाँ सॉरी डिटेलर्स भी सभी इसके इक्वल पार्ट है। तो ये गाड़ी जो निकली है ये टीम एफर्ट है। और अगर आपको भी हमारा ये काम पसंद आया हो और आप अपनी गाड़ी पे काम कराना चाहते हो तो आप हमें रीच कर सकते हो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए तरीके से। वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। चलिए गाड़ी के आफ्टर शॉट्स देखते हैं। एंड थैंक यू सो मच सर फॉर दिस अपॉर्चुनिटी। बहुत अच्छा लगा आपसे मिलके भी, और पर्सनली बोल रहा हूँ मैं आपको कि इस गाड़ी पर काम करके हमें बहुत खुशी हुई है, क्योंकि ये गाड़ी जो रही है ना, ये हमारे जनरेशन के बहुत सारे लोगों की फैमिली कार रही है। मतलब पर्टिकुलर हमारे पास वैगन आर नहीं थी, बट इसकी साथ की गाड़ी मारुति 800 हमारे पास थी। तो इसकी जो एक फीलिंग है ना, वो हम सब समझ सकते हैं, हम सब रिलेट कर सकते हैं। पापा का फीलिंग्स रिस्टोर हो गए इसमें। हाँ बिल्कुल सर, बिल्कुल। आई एम श्योर उन्होंने तो अभी गाड़ी देखी नहीं है ना, नहीं देखी है, मैंने फोटो नहीं भेजा है। आप एक बारी बस गाड़ी लेके जाना और जरूर वीडियो रिकॉर्डिंग करके ना उनका एक्सप्रेशन दिखाना। कल सुबह देख लेंगे, घर के सामने लगा दूंगा आज जाके, कल सामने सुबह देख लेंगे। तो ये गाड़ी के साथ लोगों के बहुत सेंटिमेंट्स हैं, और जनरली मैं आपको बोल रहा हूँ कि हम हमारी टीम में से जितने लोगों ने इस गाड़ी पे काम किया ना, बहुत बहुत खुश हुए हैं सब रिजल्ट। और एक घर में बहुत सारी गाड़ियां हैं, बड़े पापा के हैं, छोटे काका के हैं, सबके हैं, लेकिन पापा का जो इस गाड़ी में बैठ के जो उनका मन और दिल खुश हो जाता है, और किसी और गाड़ी में कम्फर्ट ही फील नहीं करते। सर मेमोरीज हैं ये, आदमी के कितने एक्सपीरियंसेस रहे होते हैं। मतलब आज भी आप मेरे पापा से पूछोगे ना, वो बोलते कि मेरी जो एसडी थी, मेरी जो रॉयल एनफील्ड थी, बुलेट मैंने उस टाइम पे खरीदी थी। वो मेमोरीज उन पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट से टिक गई हैं, और वही है जो हमें समाव पुश करती है इन चीज़ों पे खर्चा करने को, रिस्टोर करने को, क्योंकि वो लगा के रखना चाहते हैं मन से। और आजकल की जनरेशंस को तो इतना नहीं रहा है, बट आई एम स्टिल हैप्पी कि आपको और आपके फैमिली को इस कार से इतनी अटैचमेंट और आपने एक डिसीजन लिया इसको रिस्टोर करने का जी। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि ये बहुत अच्छा रहा हो एक्सपीरियंस। फिर से मिलूंगा मैं नवंबर में नई गाड़ी के साथ। ये जो पूरा एक्सपीरियंस हमारा इन क्लाइंट के साथ रहा है, दिस हैज बीन अ वंडरफुल एक्सपीरियंस, राइट। और हम इस फील्ड से होकर प्रे करते हैं कि ऐसे कस्टमर हमारे पास आए इतने एंथुजियाज्म के साथ, जो अपने गाड़ी से भी अटैच्ड है, इस फील्ड में इंटरेस्ट रखते हैं और अपनी गाड़ी को रिस्टोर करने का वो एक्सपीरियंस लेना चाहते हैं रादर देन जस्ट द प्रोडक्ट इटसेल्फ। और हमारा उनके साथ जो पूरा एक्सपीरियंस रहा है, चाहे वो गाड़ी रिसीव करने से हो या डिस्कशंस का हो या डिलीवरी हो, वो बहुत अमेजिंग रहा है। और इसीलिए हम ये काम करते हैं, पता है, हम इसीलिए एक्चुअली ये काम करते हैं। और मिस्टर नमित जैसे कस्टमर्स जो है ना, दिन की सारी टेंशन खत्म हो जाती है ऐसे ऐसे कस्टमर्स से बात करके। हाँ। और डिलीवरी के वक्त भी मतलब बहुत मजा आया उनसे चिट चैट करके। सो गाड़ी अब पूरी रेडी हो चुकी है, अब हम आपको दिखाएंगे गाड़ी के फाइनल शॉट्स। थैंक यू फॉर ट्यूनिंग इनटू ब्रोटोमोटिव। मैं हूँ परीक्षित, मैं हूँ राघव, मिलेंगे आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। मस्त लग रही है ना। बाय द वे वैगन आर की हेडलाइट्स हैं और जब हम वीडियो बना रहे थे तब प्रोजेक्टर्स इन स्टॉक नहीं थे, क्योंकि अभी सब जगह पे सप्लाई का बहुत प्रॉब्लम चल रहा है। अब ये रेडी हो चुके हैं, गाड़ी ऑलरेडी कस्टमर लेके जा चुके हैं, इन्हें हम अभी कोरियर करने वाले हैं कस्टमर को।